V17 जिसके अंदर पढ़ेंगे यूज ऑफ G98 एंड G99। देखो एक जॉब है 200 × 200, इसकी लंबाई 200 है, इसकी चौड़ाई 200 है और इसकी मोटाई 10 mm है। इसमें चार होल है ABCD, ये पोजीशन है। कितने का डाया है? इसका डाया 10 का है और डीप कितना है? 5 mm तक होल करना है। और यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है। तो जब ऐसी ब्लॉक होता है उस केस में हम 98 का यूज करते हैं और 99 का यूज करते हैं। तो देखो कहाँ पे 98 यूज करेंगे ना, यहाँ पे 99। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेडर O001N1 G0 G43 टू लेंथ ऑफसेट प्लस जेड 10 mm हमने ऊपर रोक लिया। H1 स्पिंडल RPM M0, ये तो हो गया हेडर। अब देखिए हम इसे होल करते हैं G81 स्पॉट ड्रिलिंग। इसके बाद हम प्रोग्राम बनाएंगे। देखो G99, अब पहले होल पे पोजीशन करना है G81 स्पोर्ट ड्रिलिंग साइकिल X। ए पॉइंट पे X कितना है? 50। देखो यहां पे X 50 गया है होल की पोजीशन। Y 40, जेड माइनस कितना डीप करना है? 5 mm। आर रिट्रैक्शन पॉइंट 2 mm, टूल ऊपर आएगा प्लेट से 2 mm। इसके बाद फीड 40। इसके बाद नेक्स्ट होल बी पे करना है। तो देखो जब टूल ऊपर आएगा यहां पे, इसके बाद बी पे देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें 98 यूज करना है या 99। इसमें तो टूल हमारा 2 mm, आर पॉइंट यहां पे पोजीशन होगा। इसके बाद सेकेंड होल, तो देखो यहां पे कोई ब्लॉक नहीं है। तो देखो ये हम दिखा रहे हैं ये है 99 की पोजीशन और ये G98। ये वाली पोजीशन आर में हमने दिया है 2 mm और 98 की जो पोजीशन होती है ये पोजीशन इतनी है जो यहां इस ब्लॉक के ऊपर जो जेड की वैल्यू होती है ये 10 mm ऊपर है। इस ब्लॉक की जो ऊंचाई है ये 8 mm है। उस केस में देखो दूसरे होल होने के बाद टूल यहां पे ऊपर उठा, फिर दूसरा आएगा यहां पोजीशन लेगा, तो यक्स कितना होगा? यक्स बी पॉइंट के लिए यक्स 50, वाई हो जाएगा 160। देखो 40 ए और 120, तो यहां का वाई कितना हो गया बी के लिए 160। बाकी जेड मेरे 5 mm ही है, आर 2 mm ही है, लेकिन यहां पे टूल को पूरा ऊपर उठाना है 10 mm, 8 mm का ब्लॉक है। अगर ये हम यहां पे 99 लगाएंगे तो टूल टूट जाएगा। तो हमने क्या लगाया? 98। अगले सेकेंड होल होने के बाद टूल रैपिड में जाएगा। अब की बार हमने 98 लगा दिया तो टूल ऊपर जाएगा क्योंकि यहां पे ब्लॉक है 98। तो रिटर्न टू इनिशियल पॉइंट G98। इस ब्लॉक में जो इस ब्लॉक से ऊपर जो जेड की वैल्यू होती है G98 लगाने पे टूल रैपिड में वहां जाता है। फिर अगले होल की पोजीशन देंगे एक्स सी की, एक्स होगा 150, वाई 160, दो या ना दो सेम है। इसके बाद डी का
एक्स 150 और वाई 40। अब देखो यहां पे हम G99 लगा देंगे और यहां पे भी, यहां पे कोड सेम है। देखो इस होल को होने के बाद टूल हमारा कितना ऊपर उठना चाहिए, 2 mm आर पॉइंट पे 2 mm ऊपर उठेगा। इसके बाद यहां पे कोई ब्लॉक नहीं है, उस केस में टूल को हमें कितना ऊपर उठाना है, बस 2 mm आर के। तो हम यहां पे 99 लगा दिए। इसके बाद इसमें होल होगा और हमें टूल 2 mm ऊपर उठाना, तो यहां भी 99, या हम 99 का यूज नहीं करेंगे तो सेम वही पड़ लेगा। इसके बाद फूटर G91 G28 Z0.0 G91 G28 X0.0 Y0.0 M05 स्पिंडल स्टॉप, M09 कूलेंट ऑफ, M30 प्रोग्राम इंड एंड रीसेट। G99 रिटर्न टू आर पॉइंट, XY G81 स्पॉट ड्रिलिंग साइकिल, G81 स्पॉट ड्रिलिंग साइकिल। देखो यहां पहला होल होने के बाद टूल का रिट्रैक्शन हमें कहां तक करना है, 99 आर पॉइंट तक 2 mm, क्योंकि यहां पे कोई ब्लॉक नहीं है। तो हम पहले ब्लॉक में 99 लगाए, रिटर्न टू आर पॉइंट। होल होने के बाद, होल होगा उसके बाद टूल जब रैपिड में आएगा तो कहां आएगा, 99 पे 2 mm ऊपर, 99 की पोजीशन। G81 स्पॉट ड्रिलिंग, मामला ऑन द स्पॉट एक बार में होल होगा। इसके बाद XY होल की पोजीशन, X50 Y40 Z डीप कितने अंदर तक होल करना है, ये हो गया Z 5 mm माइनस में, R रिट्रैक्शन पॉइंट 99 की पोजीशन 2 mm फीट 40। नेक्स्ट होल के लिए टूल होल होने के बाद जब रैपिड में ऊपर जाएगा तो कहां जाना है, Z 10 mm 98 की पोजीशन, क्योंकि यहां पे ब्लॉक है, टकराएगा, ऊपर उठाया। नेक्स्ट होल में 99 लगाएंगे क्योंकि टूल 2 mm ऊपर ही उठाना है, फिर डी पे होल होगा, फिर ऊपर उठेगा। तो ये था 98 रिटर्न टू इनिशियल पॉइंट और 99 रिटर्न टू आर पॉइंट। G81 स्पॉट ड्रिलिंग साइकिल, मामला ऑन द स्पॉट एक बार में ही होल होगा, जितना डेट में डेप्थ है उसके बाद अगर हम 99 लगाएंगे तो आर पॉइंट पे टूल जाएगा, और अगर 98 लगाएंगे तो टूल हमारा इनिशियल पॉइंट पे जाएगा, और ये वैल्यू जो होती है जेड में, इस ब्लॉक के ऊपर जो जेड में वैल्यू दी जाती है वो पॉइंट होता है 98। ये था हमारा यूज ऑफ G98 G99 एंड 81 स्पॉट ड्रिलिंग साइकिल। ये हमारा कैंड साइकिल कहलाता है, कैंड साइकिल।